नमस्कार मेरा नाम अनुभव सपरा है मैं दिल्ली फूड वॉक से हूँ और आप देख रहे हैं उत्तर का पुत्र पॉडकास्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है फूड स्टोरी टेलिंग जो मैं बोलता हूँ कैलिनरी स्टोरी टेलिंग बोलते हैं इधर मैं कुमाऊ की तरफ तो खुरपा ताल से लेकर आपका कसार देवी और उसके ऊपर भी एक जगह थी कौसानी हाँ कौसानी वहाँ तक गया हूँ मैं जो विंटर लाइन फेस्टिवल होता है उसके साथ में तो बड़ा शॉकिंग था कि वहाँ पर लोकल रीजनल कुछ नहीं था जो था थोड़ा बहुत मिलेट्स के नाम पे मिलेट के साथ डोसा बना दिया कुछ इडली बना दी थोड़ा इन है इन है तो वो चल रहा है तो मैंने उनके जो टूरिज्म के जो डिपार्टमेंट के लोग थे उनसे भी मैंने कहा मैंने कि जब तक आप अपने खाने को इज्जत के साथ नहीं देखेंगे तब तक आप उसका प्रमोट नहीं कर सकते छः महीने बाद बाबा का ढाबा पीछे वायरल हुआ ख़त्म हो गया अभी बड़ा पा ट्रेंड में छः महीने ख़त्म हो जाएगा कोई नहीं पूछेगा उसको तो ये ऐसी क्या किक आई कि ये करना है दो में मैं जॉब कर रहा था तो जॉब करते करते देखा मैंने दिल्ली में बहुत सारे हेरिटेज वॉकस हो रही हैं आर्ट वॉक्स होती है लेकिन कोई फूड वॉक नहीं करता तो फेसबुक ग्रुप पे एक इवेंट बनाया फूड वॉक एट पहाड़गंज शाम में सारे पाँच बजे मिलेंगे कहा राजस्थान साथ में जा रहे हैं बिल्कुल जब भी जोधपुर की बात हुई मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने वहाँ पे खाई थी गर्लफ्रेंड खिला दी स्ट्रीट फूड मार्केट था बताया कि ये क्या है खट्टी मीठी तीखी मसालेदार है इसका नाम गर्लफ्रेंड चार्ट रख दिया तो ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको स्ट्रीट पे मिलती है जो रेस्टोरेंट्स और कैफेज में नहीं मिलेंगी तो नेक्स्ट टाइम चलेंगे आप मतलब मिर्ची बड़ा के शहर में जोधपुर के आपने कभी अपने को गूगल पे सर्च करके देखा है कि आपके नाम के नीचे क्या क्या लिखा हुआ आता है? मतलब कई बार देखा है <laughs> क्या आता है टॉप फोर फाइव में आ, आएगा अनु इनकम अनु सन अनु सप्राज वाइफ ये सब पर्सनल लोग ढूंढते रहते हैं चीजों के बारे में आ, से आपका वास्ता है पढ़ाई के सिलसिले में है ना मेरा जन्म तो बिहार में हुआ मुजफ्फरपुर में और मैंने टेंथ तक पढ़ाई वहाँ पे की एलेवन टवेल्थ देहरादून से किया और देहरादून में एक स्कूल है राजपुर रोड पे जाकर मैं स्कॉलर्स हूँ वहाँ से हाई स्कूल किया तो देहरादून से पुराना कनेक्शन है और अभी भी हर साल गर्मियों के समय मतलब महीने में मैं यही आ जाता हूँ तो एक इस शहर से लगाव है आ, तो डेली फूड वॉक्स हम लोगों ने मेरे ख़्याल है अठारह के आसपास सत्रह अठारह में देखना शुरू किया था ये शूट से पहले आप बता रहे थे कि शुरुआत आई थिंक 2011 में हुई थी तो आपका बैकग्राउंड क्या था कुछ फूड या हॉस्पिटैलिटी ऐसा कुछ मेरा ना तो फूड का कोई बैकग्राउंड है ना कोई टूरिज्म का बैकग्राउंड है और मैं दोनों ही में मतलब काम करता हूँ फ़ूड टूरिज़्म में काम करते हैं हम लोग तो मेरी तो पढ़ाई मैंने पोलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया पोस्ट ग्रेजुएशन किया फिर रूरल डेवलपमेंट की पढ़ाई की और मोस्टली जो लोग बिहार से आते हैं एक होता है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है तो वो भी मैंने की बट नहीं क्वालीफाई कर पाया उसके बाद एन में जॉब किया लगभग चार से पाँच साल और उसके बाद फिर दिल्ली फूड वॉक्स शुरू कर दिया तो ना मेरा फूड का बैकग्राउंड है ना टूरिज्म का बैकग्राउंड है बस एक पैशन है और उसी को लेकर अपना काम शुरू किया और आज लगभग चौदह साल हो गए ऑलमोस्ट तो ग्यारह से अट्ठारह के बीच में क्या चल रहा था हम लोग दिल्ली फूड वॉक्स में मेनली जो हमारा काम है वो है स्ट्रीट फूड वॉक्स तो हमारे कस्टमाइज़्ड हम लोग फ़ूड टूर्स करते हैं तो जो लोग जैसे आप देहरादून के हैं आप दिल्ली आए और आपके पास कम समय है आप एक दो दिन के लिए वहाँ पे हैं जैसे बहुत लोग होता है ना ऐसे आप मुझे बता रहे थे ओली के बारे में स्कीइंग के लिए जाते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स का लोगों को इंटरेस्ट होता है वैसे कई लोग हैं जो फूड के लिए भी ट्रैवल करते हैं उसको फूड इंस्पायर ट्रैवल बोलिए या फिर फ़ूड टूरिज़्म आप बोल दीजिए उसको तो आप कुछ लिमिटेड टाइम के लिए दिल्ली में हैं और आपको चाहिए कि आप चार पाँच घंटे में दिल्ली का खाना चख लें तो हम लोग उन जैसे लोगों के लिए फ़ूड टूर्स करते हैं Hmm. तो हमारी टीम है और सेट टूर्स हैं कस्टमाइज टूर्स भी करते हैं आपने बताया कि हम शाम में पाँच बजे से टूर ज्वाइन करना चाहते हैं पाँच घंटे की हमारी टूर होती है उसमें नौ से दस जगहों पर रुकते हैं और हम लोग फूड स्टोरी टेलिंग करते हैं जैसे कोई भी डिश खाई हमने अगर जैसे यहाँ पे गुड़ है गुड़ ही खाया तो गुड़ कैसे बनता है कहाँ से आता है क्यों खाना चाहिए क्या फ़ायदे हैं इसके हमारे क्या क्या स्वीट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है विंटर्स में क्यों खाते हैं तो एक एक फ़ूड स्टोरी टेलिंग उसके अराउंड करते हैं तो वो हमारा एक फ़ूड टूरिज्म का होता है वैसे ही हमारे दिल्ली में अलग अलग टूर्स हैं ओल्ड दिल्ली में हम लोग ब्रेकफास्ट टूर करते हैं ब्रंच टूर करते हैं लंच टूर करते हैं डिनर टूर है चाट फूड ट्रेल है, है कबाब बिरयानी ट्रेल है उसके बाद फिर अलग अलग दिल्ली में लोकेशंस हैं उन सब अलग अलग इलाकों में हम लोग फूड वॉक्स करते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में क्योंकि आमतौर पे जैसे हम उत्तराखंड के परिदेश में अगर बात करें परिप्रेक्ष में होता क्या है यहाँ से ज़्यादातर लोग हॉस्पिटैलिटी में शेफ़ वगैरह तो बहुत सारे लोग बनते हैं या आर्मी की तरफ ज़्यादातर लोग जाते हैं बट ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है अच्छा ये तो आपने तो मेरे ख़्याल से खुद ही इसको डिस्कवर किया होगा या इसका कुछ कोर्स वगैरह भी होता है कोई इसका पता नहीं अब तो शायद कोई आई वगैरह में शायद हो रहा मुझे आइडिया नहीं है पर मैंने कोई कोर्स नहीं किया और मुझे लगता था कि मैंने खुद जा जा के लोगों से बातचीत करके उनकी स्टोरीज़ को जानी और एक पूरा एक वो आप कहें फूड टूर फूड मैप बनाया कि कौन सी जगह पर रुक सकते हैं कहाँ पर क्या खाया जाना चाहिए क्या चीज़ अच्छी मिलती है जैसे देहरादून में है तो देहरादून में भी अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो लोग हमेशा पूछते हैं अरे यार मैं एक दिन के लिए आ रहा हूँ या रास्ते से मैं मसूरी जा रहा हूँ कौन सी जगह पर खाने के लिए जाऊँ मेरे पास सिर्फ दो तीन घंटे हैं तो उनके लिए अच्छा है कि कोई गाइडेड फ़ूड टूर करे उनको जगह जगह पे ले जाए फूड के बारे में बताए और वो लोकल जो जायके हैं उनका लुत्फ उठा सके तो ये रहता है तो अभी तो मेरे को लगता है इंस्टाग्राम वगैरह पे आ, हर दूसरी रील या तो फैशन की है या फूड की है ये ग्रो कैसे कर रहा है मतलब किस किस डायरेक्शन में आप इसको देख रहे हैं देखिए फूड के ये अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे सोशल मीडिया में आपका एक तो जो यूट्यूब है जिसको हम लोग एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट फॉर्मेट जानते हैं हालांकि उसमें भी अब शॉर्ट फॉर्म यूट्यूब शॉर्ट्स हैं इंस्टाग्राम है फेसबुक है ट्विटर जो एक्स हो गया वो है और टिकटॉक बैन हो चुका है इंडिया में तो ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इस पर लोग कंटेंट बनाते हैं तो ऐसे आपने बताया इंस्टाग्राम पे फूड फैशन लाइफस्टाइल हेल्थ काफ़ी चीज़ों पे लोग कंटेंट बनाते हैं लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने का एक पूरा ट्रेंड जो इंस्टाग्राम पे अभी फिलहाल लगता है मुझे चार पाँच सालों में ज़्यादा चलन शुरू हुआ है और अच्छा है कि शॉर्ट फॉर्म में लोग एक एक नाइन्टी सेकेंड उसका फॉर्मेट है उसमें आप उतने 90 सेकंड्स में एक जगह के बारे में या मल्टीपल जगहों के बारे में कॉन्साइज करके कंटेंट बना के डाल देते हैं हालांकि मैं थोड़ा अभी भी लगता है ओल्ड जनरेशन वाला हूँ तो मैं लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट ज़्यादा पसंद करता हूँ इसलिए मेरी वीडियोज़ में ज़्यादा फोकस यूट्यूब पर करता हूँ और मेरी वीडियोज़ की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है मतलब मिनिमम मतलब मिनिमम ट्वेंटी मिनट्स तो होगी कभी कोई 40 मिनट्स भी होती है कभी कोई 49, 50 मिनट्स भी चली जाती है तो मुझे लगता है कि स्टोरीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए तो बाकी यंग जनरेशन आजकल ज़्यादा इंस्टाग्राम फ्रेंडली कहें आप इंस्टाग्राम ओरिएंटेड कंटेंट बनाती हैं uh, जो ये लॉन्ग फॉर्मेट का आपने जिक्र किया उसमें स्टोरी टेलिंग एंड नॉलेज का क्या आप मानते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं आजकल क्या होता है व्लॉगिंग वगैरह हो रही है तो मान लीजिए कोई पानी भी छिड़क रहा है हो कई बार ट्रोल हो जाता है ओ भाई साहब पानी छिड़क दिया है यू नो तो वो बड़ा इस तरह का भी कॉन्टेंट हम देखते हैं तो एक जो मैं कह रहा था कि इंटरेस्ट होना एंड पैशन तो है ही उस चीज़ को लेके नॉलेज रिसर्च एंड जिसको कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग वो कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है फूड स्टोरी टेलिंग जो मैं बोलता हूँ कैलिनरी स्टोरी टेलिंग बोलते हैं कि आप किसी जगह पे हैं तो आप पता नहीं मुझे कैसे थर्टी सिक्सटी सेकेंड्स में कैसे बातचीत कर सकते हैं कितना फास्ट आप बोल लेंगे अगर आप एक सिर्फ गुड़ के मेकिंग का प्रोसेस बताएंगे उस पर भी आपको टाइम चाहिए या तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोलेंगे उसके बाद फिर आप कहीं पर फूड टेस्ट कर रहे हैं कहीं बातचीत कर रहे हैं तो उस वेंडर की कहानी है उस जगह की कहानी है उस कल्चर के बारे में कैसे कहाँ से कौन से इंग्रेडिएंट्स आए हैं उसकी मेकिंग का प्रोसेस है उसके बाद उसको आप टेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि वो पूरा एक हिस्सा है पूरा एक अलग अलग पार्ट्स हैं फूड स्टोरी टेलिंग के जिसको शॉर्ट फॉर्म में करना मतलब अगर कर रहे हैं तो जस्टिफिकेशन नहीं है मतलब आप सही से कॉन्टेंट नहीं बना रहे हैं तो मेरे लिए लगता है मुझे फूड स्टोरी टेलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ टाइम लगता है हर एक चीज़ को मिला के कितने पोर्शन में डालना है कैसे डालना है कितना पकाना है तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है फूड मेकिंग ओके आ, हिंदुस्तान में आपने सारे राज्य कवर कर लिए हैं अब तक आ, दो स्टेट्स रहते हैं अभी तक एक तो मिज़ोरम है नॉर्थ ईस्ट में, में और आंध्र प्रदेश ये दो स्टेट रहते हैं मेरे बाकी उसके अलावा मैं सारे स्टेट्स में जा चुका हूँ मतलब ये कहना मुश्किल है कि हर स्टेट का हर एक खाना खाया हो तो कोई नहीं कर सकता ऐसा मतलब पूरी पूरा जीवन लगा दे तब भी नहीं कह सकते बट uh, इन सब स्टेट्स में गया हूँ मैं उत्तराखंड में कहाँ कहाँ आप गए हैं नैनीताल वाला मैंने एक देखा था आपका मटन वाला जो था इधर मैं कुमाऊँ की तरफ तो खुरपा ताल से लेकर आपका कसार देवी और उसके ऊपर भी एक जगह थी मुक्तेश्वर नहीं मुक्तेश्वर नहीं जहां पे गांधी जी का भी कनेक्शन है वहां कसानी हां कसानी वहां तक गया हूं मैं अच्छा और इधर आपका गढ़वाल इधर इस तरह तक तो लगता है मुझे ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं है खास आपका देहरादून मसूरी ये सभी जगह की है ऋषिकेश हरिद्वार है इस टाइम पे क्या चल रहा है जैसे आ, स्ट्रीट फूड बहुत अप है और एक क्यूएसआर वाला जो गेम है आ, ये वाला थाली आपको कहीं आपने खाई हो जो आपको लगा हो कि ये पूरा मील अपने आप में जबरदस्त है वो कहाँ का आ, थाली भी हर स्टेट की स्टेट में भी अलग अलग रीजन की अलग अलग थाली है और uh, मुझे मतलब पर्सनली ज़्यादा पसंद आती है गुजराती राजस्थानी मिक्स जो थाली मिलती है, मुझे है। वो ज़्यादा अच्छी लगती है मतलब सबसे ज़्यादा कमर्शलाइज वही हुई है मतलब सबसे आसानी से वही मिल जाता है जहाँ भी आप जाएँ किसी भी शहर में हो आपको एक गुजराती राजस्थानी मिक्स थाली मिली जाएगी तो uh, और उसके पीछे ये कि उन राज्यों के लोगों ने जाके जगह जगह पे रेस्टोरेंट अपने खोले तो वो कमर्शलाइज हो सका और ईजली उसकी एक्सेसिबिलिटी है तो वो बहुत पसंद आती है मुझे पसंद है उत्तराखंड को लेके क्या समझते हैं बिकॉज इस चीज़ को मैं बड़ा फील करता हूँ कि जैसे हमारी स्टेट कैपिटल देहरादून है बट यहाँ भी पहाड़ का खाना ढूंढना पड़ता है या किसी से बोलना पड़ता है और कोई होटल वाला बना दे तो वो अलग से लिख के रखता है कि हम हम यू नो बनाते हैं कहाँ लैक कर रहे हैं हम क्या लगता है देखिए ये सिर्फ उत्तराखंड मतलब और भी कई कई स्टेट्स के साथ है मैंने बिहार के आ, क्यूजिंग के साथ भी देखा है कि कुछ चीज़ें पॉपुलर हो पाई जैसे हम लोग बोलते हैं बिहार में लिट्टी चोखा है आजकल चंपारण मटन काफ़ी चल रहा है तो आ, ये हर स्टेट के लोग कैसे अपने खाने को प्रोजेक्ट करते हैं आपको मैं अभी पीछे उत्तराखंड में आपका फूड फेस्टिवल मसूरी में हुआ था जो विंटर लाइन फेस्टिवल होता है उसके साथ में तो वहाँ मैं आया था एक शाम के लिए सिर्फ आया था देखने के लिए तो बड़ा शॉकिंग था कि वहाँ पर लोकल रीजनल कुछ नहीं था जो था थोड़ा बहुत मिलेट्स के नाम पे मिलेट के साथ डोसा बना दिया कुछ इडली बना दिया वो भी अभी थोड़ा इन है तो इन है तो वो चल रहा है पर ऐसा मतलब जो मैं आप कहें ट्रेडिशनल पारंपरिक खाना है उत्तराखंड का वो नहीं था वहाँ पे तो मैंने उनके जो टूरिज़्म के जो डिपार्टमेंट के लोग थे उनसे भी मैंने कहा मैंने कि जब तक आप अपने खाने को इज्जत के साथ नहीं देखेंगे तब तक आप उसका प्रमोट नहीं कर सकते सेकेंडली आपको खुद उस खाने के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी मतलब आप यहाँ के आप कॉन्टेंट क्रिएटर्स की बात करें कितने लोग यहाँ के लोकल फूड को प्रमोट करते हैं मोस्टली देहरादून के खाने की बात होगी तो वही आपको चाउमीन मोमो और थोड़ा बहुत जो स्ट्रीट फूड आजकल जो चलता है वो देखने को मिल जाएगा कितने लोग अपने स्टेट के खाने को प्रमोट कर रहे हैं और रीजनल रेसिपीज डाल रहे हैं रीजनल डिशेज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लैकिंग है mm -hmm. तो वो ज़रूरत है कि यहाँ के लोग ही जब अपने खाने के बारे में बातचीत जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल बंगाली फूड को आप देखिए कितना ऑर्गेनाइज है अब किसी भी शहर में चले जाइए जो बंगाली है वहाँ पे आपके वो अपना एक होम शेफ़ होगा वो अपना फूड ट्रेशनल फूड फुर्ट भी कर रहे होंगे बंगालीज अपने खाने के बारे में बहुत सारी बात बहुत बातचीत भी करते हैं तो ये है कि हर एक स्टेट को वैसे अपने खाने को प्रमोट करना पड़ेगा बातचीत करनी पड़ेगी इज्जत देनी पड़ेगी और जैसे उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे खाने में क्या है वो कौन खाता है कौन मंडू की रोटी खाता है शहरों में कहाँ कोई खाता है कोई नहीं पूछता तो वो वही चीज़ लैकिंग है जो कि जब तक लोग बात नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा बंगाली वाला आपने बड़ा अच्छा मैं एक साल कलकत्ता रहा हूँ तो वहाँ जिस चैनल के लिए काम करता था जब मैं नोएडा आया शिफ्ट हुआ दो में तो उसी टीम से एक और बंदा आया जो मेरा रूममेट बना मुझे ध्यान है एक दिन मैं इवनिंग में आया तो उसका फोन आ रहा था बोला कि ए तो फिश विश खाएगा क्या मैंने कहा तूने फिश कहाँ से मंगा दी कह रहा रहे वो बॉन्ग इन डेली करके एक फेसबुक पेज है थर्ड डे उसने मछली मंगा दी घर पे तो मैंने कहा ये देखो एक नेटवर्क जो है नेटवर्क है उसके नहीं एक तो आपको उनका खाना मिल जाता है हर जगह मिल जाएगा आप बॉम्बे में हैं आप दिल्ली में हैं आप कहीं भी हैं पूरा भरा पड़ा है वो तो खैर मतलब मिनी कोलकाता है लेकिन ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनकी जो कम्युनिटी है वो अपने खाने के बारे में बातचीत करती है मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर बंगाली आप किसी भी पेज पे चले जाएं इंस्टाग्राम उठाइए आप बंगाली फूड सर्च करिए या फिर बंगाली जो कोलकाता या कहीं के भी लोकल कंटेंट क्रिएटर्स होंगे वो अपने खाने के बारे में बातचीत करते हैं अभी उनका जो फेस्टिवल बैसाख गया देखेंगे सब लोग अपने ट्रेस खाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ पे क्यों नहीं होता नहीं। तो वो जब तक बातचीत नहीं करेंगे उसको प्रमोट नहीं करेंगे तब तक खाना पॉपुलर नहीं होगा नहीं। अब देहरादून में मुझसे बहुत लोग पूछते हैं जब भी कोई कॉन्टेंट क्रिएटर यहाँ पर आता है खासकर फूड रिलेटेड जो भी ट्रैवल कर रहा होगा कि यार जगह बताओ खाने की न, यहाँ पर यहाँ का खाना कहाँ मिलेगा नहीं समझ में आता एक आध होम शेफ को जानता हूँ मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप वहाँ चले जाइए तो ये मुश्किल है जब तक रेस्टोरेंट में प्रमोशन नहीं करना शुरू करेंगे स्ट्रीट पे आराम से वो तो खाना नहीं मिलेगा तो खाने के बारे में तो आप बहुत बताते हैं हम आपकी वीडियोस से देखते हैं जानते हैं बनाते क्या क्या हैं आ, बनाने में मुझे आ, मतलब बहुत लिमिटेड डिशेज आती हैं वैसे तो मैं खाना पूरा बना लेता हूँ क्योंकि मैं भी बाहर रहा हूँ हॉस्टल में रहा हूँ उसके बाद फिर रूम लेके दिल्ली में भी पढ़ाई की है तो खाना लगभग सब बना लेता हूँ लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा बनाना पसंद है वो अपना एक बिहारी स्टाइल में नॉन वेजिटेरियन डिश बनाता हूँ चिकन मटन वगैरह वो बहुत पसंद है बहुत अच्छे से बनाता हूँ कभी मौका लगा तो आपको दावत देंगे यही बनवा बिल्कुल 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 आज हमारे देखने वाले उत्तर कबूतर YouTube चैनल पे भाई ये नया स्टूडियो हमारा फूड रिलेटेड ही जल्द आपको मालूम चलेगा और उसके पहले गेस्ट एक्चुअली अनुभव हैं जिनसे हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बढ़िया ये फूड को लेके एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था हेल्थ रीजन से आ, पहले तो चलिए ठीक है ये मटर वटर फ्रोजन में आ रहे थे अब तो ये पराठे भी देने लग गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं पैकेज वाला इसका एक बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है इसको कैसे देखते हैं आप देखिए ये बात इसको हम लोग कन्वीनियंस की तरह देखते हैं कि जब शहरों में लोगों के पास टाइम नहीं है खाना बनाने का कन्वीनियंस आपको चाहिए रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स चाहिए कि आपका समय नहीं है तो अपना अपना फ्रोजन पराठे निकाले या रोटी निकाल ली या फिर दाल मखनी निकाल ली या प्लेन दाल जो भी है गर्म रेडी टू तो हीट किया और खा लिया तो ये सिर्फ कन्वीनियंस है न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें पैकेज फूड में कभी भी न्यूट्रिशन है नहीं उससे एस सच और आज के तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पिछले लगता है मुझे दो तीन साल में हम लोग सोशल मीडिया में सब लोग देखते आ रहे हैं कैसे बॉनविटा का केस हुआ और अब जाके लोगों ने लेबल्स पढ़ना पीछे शुरू किया है कि किस इंग्रेडिएंट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है लोगों में काफ़ी ज़्यादा अब जागरूकता आई है तो एक तरफ तो ये है कि कन्वीनियंस का भी है और दूसरी तरफ ये कि जो पैकेज फूड है उसमें प्रिजर्वेटिव है बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती है जो आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है नहीं। तो मैं तो हमेशा मतलब ये कहता हूँ लोगों को मतलब मैं हालाँकि स्ट्रीट फूड कवर करता हूँ बट मेरा हमेशा ये कहना रहा है मैं मतलब कि हमेशा आप ईट क्लीन ईट न्यूट्रिशियस फूड आपका जो सीज़नल है वो खाना खाएं जो आपको लोकली अवेलेबल है वो खाना खाएं जो सीजनल में मिलता है सीजनलिटी के हिसाब से खाना खाएं तो उस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए ना कि पैकेज फूड पे रहना चाहिए हम्म हम्म तो ये फूड्स की हम बात कर रहे हैं वो पैकेज फूड से पैकेज ड्रिंक पे आ गया तो सारे तरह के कि आम का रस भी अनार का भी ले लो ये भी ले लो फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो ये पिछले दस बीस साल में एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया जबकि हमारे आ, मतलब आप देखिए हर राज्य की अपनी स्पेशलिटी है फ्रूट्स को लेके हम इनको क्यों नहीं ब्रांड बना पा रहे हैं कहाँ पे आपको लगता है कि गैप है नहीं देखिए इनका इनका ब्रांड तो बन रहा है आपके भी यहाँ का जैसे उत्तराखंड का बुरांश उसका शरबत मिल जाता है इजली आपका बिहार में लीची होगी उसका मिल जाएगा और मतलब हर जगह के फ्रूट सब हर जगह ऑलमोस्ट मिल जाते हैं बट वो ये कि जो पैकेज करते हैं तो उसमें थोड़ा शुगर क्वांटिटी बढ़ जाती है जो आपके लिए अच्छा नहीं है नहीं। तो लगता है मुझे काम करने की उस पर ज़रूरत है कि कैसे हम इस पर उसका शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें विदाउट एडिशन ऑफ मोर शुगर विदाउट एडिशन ऑफ मोर प्रजर्वेटि वो उसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो जो आप वीडियोज़ बनाते हैं ज़्यादातर यूट्यूब वगैरह पे हम देखते हैं लॉन्ग वीडियोज़ होती हैं लंबी लंबी हम उनको देखते हैं जो उसको देखने वाला है ये अपनी नॉलेज के लिए और व्यूवर्स के लिए वो देखने वाला कौन है जो वो सिर्फ देख रहा है या वो बना भी रहा है वो खाने का शौकीन है कौन आपने कभी कोशिश करी समझने की कि ये देख कौन रहा है मैं आपको बताऊँ मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो मुझे उन लोगों से मिलकर पता चलता है कैसे लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं और ऑनेस्टली मेरी वीडियोस मास वीडियोस नहीं है नहीं। जैसे मतलब एक होता है ना कि वायरल वाली वीडियो वैसा कंटेंट नहीं है बट मैं मिलता हूँ लोगों से शेफ्स हमारी वीडियो देखते हैं आई एच एम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आप वहाँ कल इंस्टीट्यूट्स में वहाँ पे हमारी वीडियो स्टूडेंट्स को दिखाई जाती है कि वो लोग देख के वहाँ के फूड कल्चर को समझते हैं तो अच्छा लगता है कि जो सीरियस लोग हैं जिनको मतलब फूड की अंडरस्टैंडिंग के लिए लोग वीडियोस देखना चाहते हैं और वो मतलब एंटरटेनमेंट भी है उसमें थोड़ा बहुत आप जब स्ट्रीट पर एक्शन देख रहे हैं लोगों से बातचीत थोड़ी वो भी देख रहे हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द इस मैं कहता हूँ कि एवरग्रीन कॉन्टेंट है मतलब आज हो पाँच साल बाद भी वो कॉन्टेंट आप देखेंगे तो वो रिलेवेंस उसकी रहेगी उस हो सकता है कि बड़ा पाव आप नहीं देखें वो वायरल उसका जो है वो अभी चल रहा है छः महीने बाद बाबा का ढाबा पीछे वायरल हुआ ख़त्म हो गया अभी बड़ा पाव ट्रेंड में छः महीने तक ख़त्म हो जाएगा कोई नहीं पूछेगा उसको लेकिन जो ऐसा कंटेंट है जो कि पाँच साल बाद भी आप जाके लद्दाख की सीरीज़ देखेंगे एक एक एपिसोड में आपको अलग अलग डिशेस देखने को मिलेंगी एक एक एपिसोड में नए नए होस्ट देखने को मिलेंगे एक एक एपिसोड में नए लोकेशन देखने को मिलेंगे आप कुमाऊ की सीरीज़ देखिए हर एक एपिसोड में हमने फूड रिपीट नहीं किया किसी भी एपिसोड में सेकेंडली किसी भी एपिसोड में मोमो और चाउमिन नहीं खाई नहीं। तो कोशिश ये रही कि बिल्कुल जो लोकल ट्रडिशनल फूड है उसको दिखाया तो वो एक प्रॉपर फूड डॉक्यूमेंटेशन है और जो आने वाले

लिबर्टी है जो आपको जिस तरह कंटेंट बनाना चाहें जितने समय का बनाना चाहें वो सारी चीज़ें हैं तो फिलहाल तो यूट्यूब से खुश होंगे राइट right. uh, ये गेम कितनी बड़ी है हमने जब छोटे थे हम संजीव कपूर को देख रहे थे फिर तरला दलाल को देखा फिर आते आते बहुत सारे लोगों को हमने देखना शुरू किया अभी लगभग हर शहर से कुकिंग की वीडियोस जो खुद भी बना रहे हैं या आप जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो दिखा रहे हैं बनते हुए ये गेम कितनी बड़ी है मतलब कोई अगर आज स्टार्ट करना चाहे चाहे वो कुकिंग ही क्यों ना हो या फिर डॉक्यूमेंटेशन का काम हो तो uh, कहीं वो बहुत पीछे तो नहीं है या आपको लगता है नहीं नहीं ये चलता रहेगा कोई बात नहीं देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूट्यूब में थोड़ा सेचुएशन तो है जी। आ, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हो गए आप सोचिए कि मतलब पाँच छः साल पहले या हाँ पाँच छः साल पहले आप बात कर लीजिए कितने कम चैनल्स लिमिटेड चैनल्स थे आज इतने सारे चैनल्स हो चुके हैं कि आपको उसमें से फिर अपने एक स्पेस बनाना है तो थोड़ा चैलेंजिंग तो है कि अगर कोई अभी इस समय शुरू करता है बट वो ये कि आप अपना क्या नीच क्या किस पे आप फोकस करके अपना कंटेंट बनाते हैं और कंसिस्टेंटली बनाते रहें तो ग्रो कर सकता है बट पता है कि बहुत ज्यादा हो चुका है अब तो अब जैसे आप एक की वीडियो सर्च करिए कितने सारे वीडियोस दिख जाते हैं पहले पांच साल पहले वो लिमिटेड वीडियोस थे तो कहीं ना कहीं तो आ ही रहा है और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं है। तो नया यूथ कोई अगर इस तरफ जो है फूड टूरिज्म तूर, की तरफ आना चाहे क्या आपको लगता है कि उसको क्या अपने अंदर देखने की जरूरत है कि यार अगर मेरे अंदर ये चीज है तो मैं इसमें जाऊँ क्या है? Uh, मुझे है कि पहले तो अपने इंटरेस्ट को जानने की ज़रूरत है जी. कि उसमें उसके स्ट्रेंथ क्या है मतलब किस चीज़ पे वो अच्छे से कंटेंट बना सकता है हुँ. और सेकेंडली उसको कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और कितने डेप्थ तक जा सकते हैं उसको, उसको फॉर्म को लेके हुए और क्या नीच रहेगा जैसे फूड में बहुत सारी चीज़ें हैं ना मतलब फूड में सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट स्ट्रीट फूड या रेस्टोरेंट या कैफे आपका चाय भी एक सब्जेक्ट हो सकता है कॉफ़ी भी एक सब्जेक्ट हो सकता है कॉफी में आप कॉफ़ी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉफ़ी कोई डॉक्यूमेंट कर रहे हैं स्टोरीज़ को चाय कोई कर रहे हैं या मतलब आपने एक नीच उठाया उसके भी आप मैं कल कोई रहा था बहुत लोग ऐसे कॉन्टेंट कहते हैं तो लग्जरी ट्रैवल करते हैं उनके भी कॉन्टेंट बहुत चलते हैं यूट्यूब पर तो बट लेकिन ये कि मिलता कहीं ना कहीं यूट्यूब में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ग्राफ बिल्कुल पीक पे जाता है उसके बाद फिर डाउन भी आता है तो बाप आ, उसमें कई लोग चले जाते हैं छोड़ के बहुत लोग लगे रहते हैं तो ये जो YouTube सोशल मीडिया की जो दुनिया है ये जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह ये कमर्शियल एंगल पे क्योंकि कोई भी आदमी उस फील्ड में आना चाहेगा तो ऑब्वियसली एक रेवेन्यू मॉडल तो होना ही चाहिए सस्टेनेबिलिटी के लिए तो स्पॉन्सरशिप्स uh, जो uh, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं या जो ऑर्गेनिक एड्स वगैरह आ रही हैं वो कितना ऑर्गेनिक एड्स के साथ में स्पॉन्सरशिप्स की ज़रूरत तो है मतलब आप उस पर बिल्कुल कम्प्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते क्योंकि आप देखिए कि एक एक कंटेंट वो है जो आप बिल्कुल मोबाइल से लेके बना रहे हैं एक जो आप यहाँ शूट कर रहे हैं इसमें आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी है आप माइक है आपने दो कैमरा रिसोर्स पर्सन है शूट है एडिट है तो इनपुट कॉस्ट भी तो बहुत ज़्यादा है आपको रिकवर करने के लिए आपने एक एपिसोड पे इतना इनपुट uh, लगाया उससे आउटपुट आपको जब तक व्यूज़ नहीं आए तब तक आप रिकवर नहीं कर पाएंगे तो स्पॉन्सरशिप चाहिए चाहिए और बट लेकिन जैसे हमारा है हमारे अभी व्यूज उतने ज्यादा सस्टेन अभी बहुत कम है बट फिर भी हमारा ये हम लोग चला रहे हैं लाइक गोइंग ऑन देखते हैं कब तक चलता है तो आप लोगों की कितनी बड़ी टीम है हम लोग सिर्फ तीन लोग हैं मुझे मिला के हाँ।, हाँ दो लोग और हैं एक कैमरा मैन वही एडिटिंग भी करता है और एक कंटेंट राइटर है बस तो इसमें कंटेंट राइटिंग की मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में जरूरत पड़ती है या शुरुआत से ही पोस्ट प्रोडक्शन में ओके okay. मतलब जैसे हम लोग जो वीडियो आप देखते हैं उसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन डालते हैं मतलब जैसे हमने कोई भी डिश खाई उसके बारे में छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन ऐड करना है फिर उसमें एड्रेस जा रहा है जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है यूट्यूब पे नीचे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसके लिए जरूरत पड़ती है तो फिर उसको वही सोशल मीडिया पोस्ट भी करते हैं तो जितनी वीडियोस आपने बनाई हैं ये कहीं ना कहीं वीडियो के तौर पे तो डॉक्यूमेंट हो ही रही हैं मतलब सोशल मीडिया पे कभी सोचते हैं इसको किसी और तरह से एक लाइब्रेरी क्रिएट की जाए कि ऑफलाइन भी आदमी को अवेलेबल हो क्योंकि सोशल मीडिया का पता नहीं चलता ना कब कौन कहाँ क्या बैन लग गया क्या हो गया ऐसा तो मतलब नहीं सोचा है अभी हाँ। बट आप बोल रहे तो मैं सोच रहा हो कि इसको कहीं ना कहीं रखना चाहिए मतलब करके वैसे हमारे पास जितने भी रॉ फुटेज हैं जो भी है वो सब तो अभी तक 2018 से लेकर अभी तक सारा हमने रखा हुआ संभाल के राइट right. पर ये इंटरेस्ट जगह कैसे था बिल्कुल आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ कि इस तरफ जाना है ऐसा एक अंदर से किक होती है ना और आप तो खुद ही कह रहे हैं कि मेरी पढ़ाई अलग चीज़ में हुई तो ये ऐसी क्या किक आई कि ये करना है मुझे खाने का शौक था मतलब बचपन से ही शौक था खाने का और मैं हमेशा ये कहानी थोड़ी लंबी हो जाती है कि अब ब्रिगिंग से बताता हूँ जहाँ मैं बड़ा हुआ वहाँ की कम्युनिटी से लेकिन टू कट शॉर्ट ये था कि जब 2010 में मैं जॉब कर रहा था तो जॉब करते करते देखा मैंने दिल्ली में बहुत सारे हेरिटेज वॉक्स हो रही हैं आर्ट वॉक्स होती हैं लेकिन कोई फूड वॉक नहीं करता नहीं। और दिल्ली में इतने सारे खाने की जगह हैं तो मैंने उसको थोड़ा स्ट्रक्चर किया और एक ईवेंट बनाया फेसबुक पर उसमें फेसबुक ग्रुप बहुत चलते थे तो फेसबुक ग्रुप पे एक इवेंट बनाया फूड वॉक एट पहाड़गंज शाम में साढ़े पाँच बजे मिलेंगे आर के आश्रम मेट्रोशन गेट नंबर के वन के बाहर में कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था कुछ नहीं था सीता कि लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो जाके पहाड़गंज में जगह जगह खाएंगे और मेरा भी इंटरेस्ट था कि थोड़े पैसे लोग इकट्ठे करेंगे कम पैसे में आप ज़्यादा चीज़ें खा सकते हैं तो लगभग तीस लोग पहली फूड वॉक पर आ गए अच्छा। तो उसी दिन मुझे आइडिया क्लिक कर दिया कि यहाँ के दिल्ली वालों को भी पता नहीं है कि कहाँ कहाँ खाने की जगह है तो क्यों ना इसको आप सस्टेन लेवल पर रेगुलर कर सकते हैं तो मैंने हर संडे फूड वॉक करनी शुरू कर दी और कभी पहाड़गंज किया कभी सी पार्क किया कभी कमला नगर कभी पहाड़गंज कभी मजनूगा टीला कभी निज़ामुद्दीन कभी जाकिर नगर बाटला हाउस कभी चांदनी चौक कभी चावड़ी बाजार कभी बली मारान तो अलग अलग इलाकों में फूड वॉक करनी शुरू कर दी और हर संडे को नए लोग जुड़ते गए और उसके बाद फिर ट्वेंटी थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन के आसपास मैंने अपनी जॉब छोड़ी फुल टाइम इसको करना शुरू कर दिया तो बढ़िया बातचीत आपके साथ रही बहुत समय से हमारे कॉमन फ्रेंड ने मैंने उनसे आपका नंबर लिया हुआ था और ये लगा था कि जब भी आप आएंगे और ये बड़ा अच्छा मौका हुआ कि हमारा नया स्टूडियो बना और आप पहले गेस्ट उसमें बने तो मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार हम कहाँ राजस्थान साथ में जा रहे हैं बिल्कुल जोधपुर का प्लान करते हैं मैं दो में गया था काफ़ी समय हो गया जब भी जोधपुर की बात हुई मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने वहाँ पे खाई थी उसको वहाँ पता नहीं बोलते हैं गर्लफ्रेंड चाट खाई है आपने खा, किस किसने खिला दी तो वहाँ पे एक कोई स्ट्रीट फूड मार्केट था मतलब बाजार था शाम में लगता है बाजार तो वहाँ पे एक वो चाट खिलाते थे उसका नाम था गर्लफ्रेंड चाट तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा इसका नाम गर्लफ्रेंड चाट क्यों रखा हुआ है प्रॉपर उन्होंने डिस्प्ले में लगाया हुआ है ऐसा कुछ नहीं कि मैं बना के बोल रहा हूँ तो उन्हें बताया कि क्या खट्टी मीठी तीखी मसालेदार है इसका से नाम गर्लफ्रेंड चाट रख दिया तो ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको स्ट्रीट पर मिलती है जो रेस्टोरेंट और कैफेज में नहीं मिलेंगी तो नेक्स्ट टाइम चलेंगे आप मतलब मिर्ची बड़ा के शहर में जोधपुर <laughs> नहीं नहीं बढ़ गया थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू